दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने हिस्सा लिया और संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां देश भर के अलग अलग प्रांतों से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और संगठन की एकता दिखाई। इस सम्मेलन में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के लिए एकजुटता पर जोर दिया गया। कोटा से समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर डॉक्टर बालकानंद गिरी, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार संघी ने की। मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, विशिष्ट अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा नाहटा मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे तालकटोरा स्टेडियम में राजनीतिक दलों के नेताओं और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने एकजुट होकर राजनीति में वर्चस्व बढ़ाने की वकालत की। वैश्य महासम्मेलन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वैश्य समाज की जो अपनी एक विराटता है और अलग अलग उपजातियों से लोग जाने जाते हैं, सबों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने का अवसर मिला है। हम सब हमेशा समाज को पोषित किए हैं और देश के विकास में वैश्य समाज की एक बड़ी भूमिका रही है। किसी भी राज्य में व्यापार व्यवसाय या उद्योग के कारण ही वो राष्ट्र की प्रगति होती है, उसमें यह समाज हमेशा अग्रणी रहा है और राजनीतिक क्षेत्रों में भी इस समाज के लोगों ने अपनी हिस्सेदारी ली है और हम सबों का प्रयास है कि लोकतंत्र में हम सब राजनीतिक हिस्सेदारी के माध्यम से भी देश की सेवा कर सकते हैं, जहां समाज के संबंध को के संबंध में जो और कई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई हैं, उन सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं कार्यान्वित करने में हमें मदद मिलेगी। अगर हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ती है, समाज उतना मजबूत होगा, देश उतना मजबूत होगा। आज वैश्य समाज का महासम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। ये समाज अपने कर्तृत्व के कारण अपनी एक अलग पहचान बना के रहा है। पूरे देश में विस्तृत जगह पे फैला हुआ ये समाज अपने काम के माध्यम से समाज में अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी रखता है। समाज पे जब संकट आता है तो सबसे पहले दौड़कर जाने वाला और अपना कंट्रीब्यूट करने वाला, अपना योगदान करने वाला ऐसा ये समाज आज बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ एकत्रित हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी विषयों में इस समाज को गुणवत्ता के कारण इसको प्रतिनिधित्व मिलता है, वो प्रतिनिधित्व बढ़े और पूरा समाज आगे जाए, इसलिए इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन होता है। इस सम्मेलन के जरिए ये संदेश भी दिया गया कि समाज की महिलाएं भी समाज में एकजुट होकर अपनी पहचान बनाने लगी हैं। आज वैश्य समाज हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। व्यापार, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कला, चिकित्सा, प्रशासन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। ये बड़े अफसोस की बात है कि वैश्य समाज को सत्ता का वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिस पर उसका अधिकार है और इस आयोजन के जरिए समाज की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की गई। देखिए, वैश्य समाज सदैव राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित रहा है और वैश्य समाज का योगदान आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद भी, यदि आज हम देखें आर्थिक जो देश की दशा है उसमें 75% योगदान वैश्य समाज के आर्थिक उद्योगों का है और वही हमारे देश में एक तरह से हम पुराने परंपराओं को माने तो आज देश में CSR का कंट्रीब्यूशन का जो काम शुरू हुआ है वो पुराने पुरातत्व काल से वैश्य समाज अपने आय का एक दशांश सहयोग के लिए, समाज के लिए समर्पित करता आ रहा है, वो कार्य चल रहा है। तो वैश्य समाज को आगे बढ़ाने और समान अधिकार दिलाने के लिए इस सम्मेलन का आगाज हुआ। इस दौरान वैश्य समाज की एकता के नारे भी लगाए गए। रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।